तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं लक्ष्य और आप देख रहे हैं एलिज गेमिंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग अपना माइनक्राफ्ट स्किन को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो स्किप किया तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग को इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसका नेम है स्किन एडिटर 3D। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है। ये ओपन हो रहा है, तो ये ऐसे ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका स्किन दिखाएगा स्टीव का, तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है अपना वाला स्किन जो आपको एडिट करना है। तो आप लोग इंपोर्ट कर लीजिए यहाँ प्लस के आइकन को क्लिक करके। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले स्किन जो मुझे एडिट करना है। तो ये वाले स्किन मुझे एडिट करना है। ये बिना कपड़ों के ऐसे दिखता है, और कपड़े पहनने के बाद ये ऐसे दिखने लगेगा। तब मुझे इसके लोगो को हटाना है और अपने चैनल का लोगो लगाना है। तो एडिट करने से पहले मैं आपको यहाँ के कुछ ऑप्शंस का यूज बता देता हूँ कि इन ऑप्शंस का क्या यूज है। तो सबसे पहले ये प्लस वाले ऑप्शन का यूज मैं आपको बताता हूँ। जो ऊपर ये प्लस वाला ऑप्शन है, इससे आप लोग अपने स्किन को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, कहीं से भी आप स्किन इंपोर्ट कर सकते हैं, और इससे आप लोग अपना स्किन को सेव कर सकते हैं। और इस वाले ऑप्शन से आप लोग हाथ पैर गायब कर सकते हैं, इससे इजी हो जाएगा आप लोग को एडिट करने में। और इस वाले ऑप्शन से आप लोग इसे कपड़े पहना और उतार सकते हैं। और यहाँ पे बगल में भी बहुत सारे ऑप्शन है, इससे आप इरेज कर सकते हैं, और इससे आप रोटेट कर सकते हैं अपने इस कैरेक्टर को, और इससे जूम इन कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से, और इससे जूम आउट, और इससे आप लोग आगे कर सकते हैं जो आपने एडिट किया है। और इस तरफ लेफ्ट साइड में भी कुछ ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पहला ऑप्शन है, इससे आप लोग ये एडिट कर सकते हैं। और उसके नीचे वाला कलर का ऑप्शन है, जिससे आप लोग कलर भर सकते हैं पूरे एक ब्लॉक में, और यहाँ से आप लोग कलर चूज़ कर सकते हैं। और ये वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है, इस वाले ऑप्शन को टच करने के बाद आप कहीं पे भी टच करेंगे वो वाला कलर सेलेक्ट हो जाएगा। इससे आप लोग अंडो कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए एडिट करते हैं, तो इसे थोड़ा जूम करते हैं। उसके बाद हम लोग इसके मदद से ये ब्लैक वाला कलर सेलेक्ट करते हैं, और इस पूरे लोगो को हटा देते हैं। फिर उसके नीचे वाला कलर सेलेक्ट करके ये नीचे वाला भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपने चैनल का लोगो बनाएंगे, तो फिर से हम लोग को ब्लू कलर सेलेक्ट करना होगा। तो इसी की मदद से सेलेक्ट करते हैं और अपना अब चैनल का लोगो बनाते हैं। तो अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, तो ऐसे पहले यल बना देते हैं। तो देखिए ये गलत हो जाएगा, तो आप इससे दोबारा पीछे कर सकते हैं। अब इससे यच बना देते हैं, और ये गलत हो गया फिर से। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा चैनल का लोगो ये बन चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इससे आप लोग अपना पूरा स्क्रीन भी एडिट कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ लोगो एडिट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहे। और अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.